नीतीश कुमार जैसे पान खाया जाता है ना, वैसे वो कसम खाते हैं और कसम खाते हैं अथू। आपको पता है मित्र जी कि जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के लिए पूरी पार्टी क्या तिलांजलि देती, कांग्रेस स्थिति में सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहां पर राहुल गांधी का रिप्लेसमेंट नहीं, वो कांग्रेस पार्टी कभी भी नीतीश कुमार के नाम पर तैयार हो। हमको डर है कि कहीं वो दिल्ली गए हैं तो कहीं अब ये रात में जाकर के लाल किला पर झंडा न पाए। अब उनके निपटने का समय आ गया और वो ऐसी जगह जाके बैठ गए हैं कि जिनके बगल में बैठते हैं उन्हीं को नहीं मालूम है कि वो उनको कब निकल जाए। जिस जंगल राज की समाप्ति के कारण, समाप्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को तैयार किया, उसी जंगल राज के बड़े पुरोधा के गोद में जाके बैठ गए। क्या नीतीश जी जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या सभी विपक्षी दल को, चाहे तमिलनाडु के एम के स्टालिन हो, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक उड़ीसा के, शरद पवार हुए महाराष्ट्र के, या फिर उद्धव ठाकरे हो, अखिलेश यादव मायावती उत्तर प्रदेश की, इतना जो है झोल मट्ठा जो है, नीतीश कुमार इसमें सक्षम है और सफल हो पाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार को जो बनना था वो बन चुके, अब नीतीश कुमार कुछ बनने वाले नहीं, अब उनके निपटने का समय आ गया है और वो ऐसी जगह जाके बैठ गए हैं कि जिनके बगल में बैठते हैं उन्हीं को नहीं मालूम है कि वो उनको कब निकल जाए। इसीलिए अब उनके कुछ बनने वनने का कोई चांस नहीं है और थोड़ा सा उम्र का भी प्रभाव उन पर दिख रहा है और हमको डर है कि कहीं वो दिल्ली गए हैं तो कहीं अब ये रात में जाकर के लाल किला पर झंडा न फहरा दें, क्योंकि वो बार बार केसीआर जब आए थे तो बार बार वो खड़ा हो रहे थे और उनका कुर्ता खींचा जा रहा था जी, और उनके दिमाग में एक ही बात चल रहा है कि लाल किला पर झंडा कब फहराएं। तो हमको डर है कि काजल है कहीं वो जिस प्रकार से आजकल वो चीजों से पलट जाते हैं, तो पहले तो दिल्ली जा रहे होंगे तो कहीं प्लेन में से उतर के चले मत आए, और अगर वहां चले गए तो कहीं अभी जाकर के झंडा नहीं पा रहे। ये सारी समस्या उनके साथ अभी है, लेकिन मैं जहां से देख रहा हूं वहां से यही दिख रहा है कि वो जिन लोगों के साथ बैठे हैं वही लोग बहुत जल्दी उनको निकल जाएंगे। लालू यादव से मुलाकात करके गए हैं और कहा जा रहा है कि राहुल यादव के दरबार में भी हाजिरी लगाएंगे। आपको लगता है मित्र जी कि जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के लिए पूरी पार्टी क्या तिलांजलि देती, कांग्रेस स्थिति में सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहां पर राहुल गांधी का रिप्लेसमेंट नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी कभी भी नीतीश कुमार के नाम पर तैयार होगी? देखिए, आज तो पहले शिक्षक दिवस जी जी, और आज सभी लोग अपने अपने गुरु से मिलते हैं, शिक्षक से मिलते हैं, कुछ प्रेरणा लेते हैं। नीतीश कुमार जी लालू जी से क्या प्रेरणा लेने गए थे, मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा है कि नीतीश जी ने लगता है लालू जी को अपना गुरु भी बना लिया है, और लालू जी को गुरु बना लिए तो दूसरे गुरु से भी मिलने गए हैं जो आजकल आटा लीटर से नापते हैं राहुल गांधी से। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति लालू यादव से मिल करके और राहुल गांधी के पास जाता हो उनको कहाँ जाना है, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक तो जाने का सवाल ही नहीं है, अब मुख्यमंत्री का कुर्सी कितना दिन रहेगा इस पर भी अब संशय है। चलिए, नीतीश कुमार इस बार जो गठबंधन आप लोग से तोड़े अलग हुए हैं तो उनका कहना है कि अब समझौता होने का कोई चांस ही नहीं, तो क्या बीजेपी अप्रोच कर रही है समझौता करने के लिए, और क्या सवाल सुन लीजिए, क्या अब वापसी अगर वो चाहेंगे 2024 के लोकसभा में या 25 के विधानसभा में तो अब आप लोगों का गेट खुलेगा या नहीं खुलेगा? देखिए, एक तो नीतीश कुमार जैसे पान खाया जाता है ना, वैसे वो कसम खाते हैं और कसम खाते हैं, थूक देते हैं, बयान देते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, फिर भी आते हैं, फिर बयान देते हैं कि अब आप लोगों के साथ नहीं जाएंगे, फिर चले जाते हैं। तो नीतीश कुमार का ये स्वभाव है, वो फिर आना चाहेंगे भाजपा में, लेकिन मेरा कहना यह है वो आने लायक रह जाएंगे तब ना भाजपा में आएंगे। उनके जितने लोग हैं वो सब ऑफ द रिकॉर्ड आजकल भाजपा के संपर्क में, उनके MLA हो, MP हो, वो पीछे में मिलते हैं तो कहते हैं कि हमारा नेता पगला गया है, जहां से हम लोग निकल के भागे थे वहीं जाकर के घुस गया। जिस जंगल राज की समाप्ति के कारण, समाप्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को तैयार किया, उसी जंगल राज के बड़े पुरोधा के गोद में जाकर बैठ गए, तो जदयू का कौन आदमी उनके साथ रहना चाहेगा? तो नीतीश जी को अभी ये पता नहीं चल रहा है, और ये इसलिए नहीं चल रहा है कि उनके इर्द गिर्द जिन लोगों की फौज है वो लोग उनको दूसरा सिनेमा दिखा रहे हैं, होने वाला है कुछ दूसरा। इसीलिए नीतीश जी को अभी समझ में नहीं आ रहा है, नीतीश जी ने जितना पुण्य कमाया था भाजपा के साथ रहकर वो एक ऐसे जगह चले गए कि अब वो इतना तेजी से उनका पुण्य खत्म हो रहा है, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं।